मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग ज्ञान। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 31 को, और मैंने आपको उसमें बताया था कि आने वाले नए साल में 2022 में आपके साथ ये सारे फ्रॉड हो सकते हैं। उसी वीडियो में मुझे कमेंट आया था जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इस कमेंट का जवाब पूरा एक वीडियो बना के देना चाहिए, और अगर आप इनका कमेंट पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा यार ये चीज तो ये सही बोल रहे हैं। पहले मैं आपको इनका कमेंट पढ़ के सुनाता हूं, और आपको स्क्रीनशॉट बगल में मिल जाएगा। मुझे एक बात पूछनी है, जिस अकाउंट से फ्रॉड होकर पैसा दूसरे अकाउंट में गया, उस अकाउंट का ऑनर कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, ये तो आराम से पता लगाया जा सकता है, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता। ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर मेरे अकाउंट से अगर पैसे गए हैं वो किसी ना किसी अकाउंट में जाएंगे, और वो किसी ना किसी अकाउंट में अगर गए तो उसका कोई ना कोई तो ऑनर होगा। अगर किसी बैंक में गया तो बैंक के पास उनके सारे डिटेल होंगे, वो कहाँ रहते हैं, सामने वाले का नाम क्या है, हर एक चीज। बट जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां पे जो ये स्कैम करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उनकी शुरू होती है। अभी ये होता कैसे मैं आपको सारी चीज डिटेल में बताता हूँ। अगर आप मेरे पहले से अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो आपको पता होगा, आज से कुछ महीने पहले मेरे फ्रेंड के साथ OLX फ्रॉड हुआ था। अगर आपको मालूम होगा वो OLX फ्रॉड एक बाइक को लेकर हुआ था, जो कि मेरा फ्रेंड डुग बाइक लेने के लिए वो किया था, और उसका 32,000 रुपीज चला गया था। अब वो पैसे तो उसने दिए थे, बट वो गया किधर था, पेटीएम बैंक में। अब ये पेटीएम बैंक कैसे काम करता है, एक पेटीएम का पेटीएम वॉलेट होता है और एक पेटीएम बैंक होता है। अगर हम पेटीएम वॉलेट अगर यूज करते हैं तो हमको मिनी KYC कराना पड़ता है, वो जो भी पेटीएम के एजेंट वगैरह होते हैं उनके पास जाके थंब ये सब लगा के। और जो पेटीएम बैंक होता है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, और वहां से आप अपना एक डेबिट कार्ड भी ले सकते हो। जो पेटीएम बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है, वो जो हमारा फोन नंबर होता है, सेम वही अकाउंट नंबर हमारा ये हो जाता है पेटीएम बैंक का। तो ये भी तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ये जिसका फोन नंबर होगा वही जो भी इसका ऑनर होगा हम पकड़ सकते हैं, पर ये भी ऐसा नहीं होता। अब ये करते क्या है कि एक मैन्युअली कोई भी एक 10 डिजिट का नंबर बना लेते हैं, और उसे ही वाया वाया करके आपको कॉल करते हैं और आपके साथ फ्रॉड वगैरह करते हैं। और सेम चीज जब हमारे साथ फ्रॉड होता है, हमारे अकाउंट से जो पैसे निकाले जाते हैं वो पेटीएम बैंक का ऐसा फोन नंबर से बनाया जाता है जो उस चीज में डाल देते हैं, जिससे पता भी नहीं चल पाएगा कि आपको यार किस नंबर से और किस अकाउंट में गया। वो पेटीएम के बैंक में डालेंगे और उसके बाद अपने अकाउंट में ले लेते हैं। वो कुछ इनका इस तरीके से सिस्टम चलता है। और जो मैंने फ्रेंड का बताया था जो 32,000 का फ्रॉड हुआ था, वो भी सेम इसी तरीके से हुआ था। उनसे जो पैसे लिए गए थे वो पेटीएम बैंक के थ्रू लिए गए थे, और उस पेटीएम बैंक का जो अकाउंट नंबर था वो उनका फोन नंबर था, और वो जो फोन नंबर था उसको मैन्युअली कंप्यूटराइज करके बनाया गया था, जिससे यहाँ पे पुलिस वाले लोग भी उनका पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये सामने वाला कहाँ से ये फ्रॉड कर। वो जो लोग होते हैं वो थोड़े VPN वगैरह यूज करते हैं, जिससे आप उनकी करंट लोकेशन भी आप पता नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि हमारे साथ अगर फ्रॉड होता है, हमारे अकाउंट से अगर पैसे जाते, तो ऐसे ही वो किसी ऐसे अकाउंट में डालते जहां पे उनका डिटेल निकालना बहुत मुश्किल होता है, और आप उनकी करंट लोकेशन भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे ही हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। अगर आप कंप्लेन भी अगर करने जाते हो तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा कि आपको जो पैसे वो रिटर्न मिल जाए, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड का जो पैसा गया था, आज पूरे 1 साल हो चुके हैं और अभी तक कुछ पैसे का पता है नहीं, अभी तक पैसे उसको मिले भी नहीं है, और वो पैसे तो समझो गए, 32,000 रुपीज का फ्रॉड हुआ था। इसके लिए मैं पूरी डिटेल वीडियो मैंने पहले बना के रखी, अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा, वहां पे जाके वो देख सकते हो। और बात रही ये जो कमेंट किए थे, काफी ज्यादा अच्छा कमेंट था, जैसे लोगों को ये होता है कि यार अगर हमारे अकाउंट से गए, किसी ना किसी के अगर अकाउंट में जाते हैं तो हम उनका सामने वाले का आराम से डिटेल निकाल सकते हैं। पर मैंने कहा ना, जहां पे हमारी सोच खत्म होती है, जो हमारे साथ स्कैम करते हैं उनकी तो वहां से शुरू होती है। कुछ इसी तरीके से उन लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं और हमारे सारे पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, और यहाँ पे पुलिस भी इनका पता नहीं लगा पाती। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। अगर आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है या आपके आसपास में किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, हो सके तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि वो आने वाले टाइम में आप लोगों को ऐसा मोटिवेशन मिले कि यार हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना।